कोरोना वायरस का दूसरा चरण ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहर बरपा रहा है। रोहतास जिला के पवरा गांव में बीते कुछ दिनों में ही 6 लोगों की मौत हो चुकी, वहीं लगभग सभी घरों में लोग कोरोना पीड़ित हैं। ऐसे में गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। काम धंधा बंद होने से लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। रोहतास जिला में विक्रमगंज अनुमंडल स्थित पवरा गांव गांव में पसरा सन्नाटा इस बात की तस्दीक है कि यहां के लोग कोरोना के प्रकोप से सहमे हुए हैं। गांव की आबादी करीब 1400 है। यहां के हर घर में कोई न कोई बीमार है। बीते कुछ दिनों में कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहां स्वास्थ्य सुविधा और बाजार नहीं होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। ये दिक्कत बा कि बुखार उखार सब सर्दी बुखार होगा तो कोरोना के लेके इलाज इलाज मतलब नहीं के होखत। ये सब आदमी परेशान बढ़त सर्दी खांसी कहाँ को कोई नहीं खे टेस्ट करे। अच्छा, टेस्ट करने कोई नहीं आता है ना। तो आप लोग को बुखार उखार लगता है तो कहाँ जाते हैं इलाज कराने? यही नटवा नजदीक में बा सूरजपुर है ना, तो विक्रमगंज बाटे तो जिगे धनगंज। अच्छा, वो जो जाते हैं तो पुलिस उलिस परेशान करते प्रशासन। गांव के नजदीक कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि बाजार के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा भी बंद है। ऐसे में चूल्हा कैसे जले इसकी चिंता में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हम लोग को जाना पड़ता है 15 किलोमीटर, विक्रमगंज यहाँ से दूर है। हाँ। और जाने में भी लोग पुलिस लोग मारने लगते हैं। अच्छा, कहाँ इसी तरह व्यतीत कर रहे हैं? कहीं मजदूरी हो रहा है ना, कुछ काम है ना कुछ है, घर में बैठे हैं। कैसे बहुत कष्ट है, इसी तरह काम चला रहे हैं। एक तरफ जहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था और संसाधन की कमी महसूस की जा रही है। जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में सरकार और स्थानीय प्रशासन की नजर आए ताकि इन इलाकों में भी लोगों को राहत मिल सके। नेशन न्यूज के लिए रोहतास से कुमार विपिन की रिपोर्ट।